आने वाले समय में खासतौर पर जो लोग हर रोज मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ के लिए ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक ये ट्रेन होने वाली है आगे आने वाले समय में। गिरीश जी बिल्कुल कृतिका आपने ठीक कहा, क्योंकि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और ये कहीं ना कहीं कहें तो नमो भारत ट्रेन आज देश को समर्पित होने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर बाद यहाँ पर एक देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत साहिबाबाद से दुहाई डिपो के प्राथमिक खंड का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी रूप से विकसित प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स के उद्घाटन के साथ ही RRTS कनेक्ट मोबाइल ऐप को भी लॉन्च करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज के ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है, साहिबाबाद से लेकर दुहाई के बीच में यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी दिल्ली NCR वालों के लिए। आने वाले समय में जब ये पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली के जंगपुरा से लेकर मेरठ के आगे मोदी पुरम तक ये पूरा कॉरिडोर तैयार हो जाएगा और लोग बहुत ही आसानी से करीब 45 मिनट के अंदर ही मेरठ से दिल्ली पहुंच जाएंगे और कहीं ना कहीं वातानुकूलित जो यात्रा लोगों की रहेगी आराम से बैठ कर जाएंगे और कहीं ना कहीं पूरी तरह से आरामदायक एक सफर रहने वाला है। और लंबे समय से यहाँ के जो लोग हैं उनको कृतिका इंतजार था कि कब ये ट्रेन चालू होगी और वो इसके अंदर बैठेंगे, तो अपने आप में बड़ी बात है। ये नमो भारत ट्रेन इसका रखा गया है नाम, जो आपसे कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे और कल सुबह यानी कि 6 बजे शनिवार सुबह 6 बजे से इसमें आम जनता जो है वो यात्रा कर सकती है। तो इसकी जो मैं आपको बताना चाहूंगा करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार रहेगी जो पूरी तरह से वातानुकूलित रहेगा जिसके अंदर सुरक्षित और आरामदायक क्षेत्रीय आवागमन के लिए ये पूरा डिजाइन किया गया है और 2x2 की इसमें जो है सीटिंग की गई है, खड़े होकर भी यात्रा की जा सकती है। इसमें खास तौर पर पर्याप्त जगह है, लगेज रैक है, CCTV कैमरा है, लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी इसमें मौजूद रहेगी। करीब 6 इसके अंदर कोच रहेंगे जिसका पहला बिल्कुल गिरीश और ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री उस स्टेशन पे पहुंचे और QR कोड से उन्होंने स्कैन करके टिकट भी लिया। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ साहिबाबाद स्टेशन पर पहुंचे हैं और सबसे पहला टिकट उन्होंने खरीदा है, तो ये संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये टिकट खरीदा है और उसके अंदर कुछ देर बाद इस ट्रेन के अंदर यात्रा भी करेंगे। ये नमो भारत ट्रेन बनाई गई है जो फिलहाल साहिबाबाद से लेकर दुहाई डिपो तक दौड़ेगी, करीब इसके अंदर 5 स्टेशन रहेंगे।
तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आरआरटीएस के विकास से आर्थिक कार्यों को बढ़ावा कहीं ना कहीं इस ट्रेन से मिलेगा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्यूआर कोड के जरिए टिकट भी लिया और उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान मौजूद रही। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में हरी झंडी दिखाकर पहली रेल को रवाना भी करेगी। हमारे साथ में हमारे सहयोगी गिरीश निशाना भी लगातार बने हुए हैं। गिरीश, आगे आने वाले समय में इससे फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही ये पहला चरण है, इसके बाद में कहा यह जा रहा है कि 2025 तक ये जो पूरी ट्रेन है, जो पूरा इसका करीब 82 किलोमीटर का जो सफर है, वो बनकर तैयार हो जाएगा। गिरीश जी, जब ये पूरी तरह से बनेगा तो दिल्ली के जंगपुरा से लेकर मेरठ के आगे मोदीपुरम तक ये पूरा 82 किलोमीटर का सफर हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं जो नमो भारत ट्रेन है इसमें यात्री यात्रा कर सकेंगे और महज 45 मिनट के अंदर मेरठ से दिल्ली तक पहुंचाया जा सकेगा। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण आज है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ये नमो भारत ट्रेन समर्पित की है और कल के बाद से इसमें आम जनता भी यात्रा कर सकेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये यात्रा का समय सुबह 6 बजे से आरंभ होगा और रात को 11 बजे तक अंतिम ट्रेन मिल सकेगी। अभी फिलहाल ये साहिबाबाद से लेकर दुहाई डिपो तक जा रही है, लेकिन आने वाले समय में ये दुहाई डिपो से आगे बढ़कर मेरठ और मेरठ के आगे मोदीपुरम तक ये बन जाएगी। और दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए तो सरायकेला खान से आगे जंगपुर तक इसको प्लानिंग की गई है। तो अपने आप में एक सौगात है, नए भारत की जब बात करते हैं, न्यू इंडिया की जब बात करते हैं, तो इस तरह की सौगात देश को मिल रही है जो अपने आप में देखने लायक है, दुनिया को बताने लायक है। क्योंकि ये जो ट्रेन है ये अहमदाबाद के अंदर स्वदेशी रूप से तैयार की गई है, भारत के अंदर ये इस ट्रेन को तैयार किया गया है और जो तमाम सिस्टम है वो भी भारत में तैयार किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आरआरटीएस कनेक्ट ऐप को भी लॉन्च किया है और उन्होंने खुद यहाँ पर टिकट लेकर लिया है, नमो भारत ट्रेन का पहला टिकट उन्होंने लिया है और वो अभी इस ट्रेन के अंदर यात्रा भी करेंगे। बिल्कुल गिरीश, और ये देखिए तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर पहली रैपिड रेल को रवाना किया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अब ये ट्रेन जो है वो अब जनता को समर्पित की जा चुकी है। कल से इसका संचालन भी अब शुरू हो जाएगा, सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक इसका संचालन होगा। तो ये तस्वीरें सुक्त आपको दिखा रहे हैं और उनके साथ में प्रधानमंत्री के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी वहां पर इस दौरान मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी भी देखी इससे जुड़ी हुई। तो ये तस्वीरें सुक्त आपको दिखा रहे हैं और अब ये ट्रेन जनता को समर्पित की जा चुकी है और ये तस्वीरें देखिए, 3D व्यू इस ट्रेन का पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आए हैं कि ये ट्रेन अंदर से कैसी है, उसका व्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और उसके बाद में हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया है। और अब कल से ये ट्रेन जनता के लिए समर्पित होगी और साथ ही प्रधानमंत्री ने मोबाइल ऐप को भी आज लॉन्च किया है। तो अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में लोगों के लिए कितनी सुविधा होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और साथ ही अगर इस ट्रेन की बात करें तो तमाम सुविधाएं इस ट्रेन में उपलब्ध हैं। अगर देखा जाए तो इस ट्रेन में पूरे 6 कोच हैं, जिसमें से पहला कोच जो है उसमें काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई हैं, आप वहां पर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रीड कर सकते हैं। साथ ही वहां पर व्हीलचेयर की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा जो दूसरा कोच है वो सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व कोच रहेगा। तो इस तरीके से ये तमाम सुविधाएं जो हैं और हर सीट पर, इस ट्रेन में जितनी भी सीटें हैं उसमें हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्था की गई है। तो तमाम सुविधाओं से लैस ये रैपिड रेल की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को अब समर्पित कर दी है। कल सुबह 6 बजे से ये ट्रेन अब लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। हमारे साथ में गिरीश भी लगातार बने हुए हैं। गिरीश, आरआरटीएस के विकास से आर्थिक कार्यों को कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय बढ़ावा मिलेगा और साथ ही अगर देखा जाए तो अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत अब प्रदूषण से होगी दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को। लेकिन अब क्योंकि ये ट्रेन चल चुकी है तो लोग, उम्मीद ये की जा रही है कि लोग अपने वाहनों को घर में रखेंगे और इस ट्रेन से ही आने जाने में क्योंकि उनको सुविधा भी होगी, साथ ही प्रदूषण में भी कहीं ना कहीं थोड़े से कम होगा। जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा। जिस तरह से
दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि प्रदूषण काफी कहीं ना कहीं पूरी तरह से आबोहवा को खराब कर दिया था प्रदूषण ने, तो उससे कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने देश को सौगात दी है उसका असर कहीं ना कहीं जो है प्रदूषण पर भी देखने को मिलेगा। जब इतने वाहन जब एनसीआर से दिल्ली की ओर आते हैं तो काफी ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक की वजह से पॉल्यूशन होता है और कहीं ना कहीं वो पूरा असर आबोहवा पर भी पड़ता था। लेकिन फिलहाल जब इस तरह की सौगात देश को मिलती है, एनसीआर के लोगों को मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं लोग जो है सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को प्रायोरिटी पर रखेंगे और वो इनका इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं जो सड़कों से जो ट्रैफिक जाम है उसकी समस्या से भी बचा जा सकेगा, साथ ही जो पॉल्यूशन है उससे भी बचा जा सकेगा। तो अपने आप में आज से ऐतिहासिक क्षण हो गया है दिल्ली एनसीआर के लिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा अभी जो ये खंड फिलहाल इसमें 5 स्टेशन होंगे जिसमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो, लेकिन आने वाले समय में जब ये पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरठ से सराय कालेखा और जंगपुरा तक आसानी तक पहुंचा जा सकेगा। करीब 45 मिनट में कहा जा रहा है कि मेरठ से सीधा दिल्ली आया जा सकता है। सबसे अच्छी बात इसमें ये भी है जो मरीज हैं जो बहुत ज्यादा जो स्ट्रेचर पर हैं तो उनको भी इस ट्रेन के अंदर लेके आया जा सकता है। उसके लिए भी खासतौर पर RRTS ने ये व्यवस्था की है कि उसमें एक स्ट्रेचर भी आ जाए, एक व्हील चेयर भी आ जाए, तो बहुत ही सोच समझ कर इसकी प्लानिंग की गई थी और पूरी तरह से इस ट्रेन को तैयार किया गया था, क्योंकि ये पूरी तरह से भारत में इसका निर्माण हुआ है। गुजरात के अंदर ये जो ट्रेन है वो वहां पर बनाई गई है, जिसका अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया है। जो साहिबाबाद के लोग हैं, जो गाजियाबाद के लोग हैं, जो गुलधर के लोग हैं, जो दुहाई के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं कृतिका, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो ट्रेन है वो उनके शहर में से होकर गुजरेगी, उनके बीच में से होकर गुजरेगी। उनकी केवल ये कल्पना ही हुआ करती थी कि कभी इस तरह से जो बुलेट ट्रेन होती है, जो विदेशों में ट्रेनें चलती हैं उससे भी बढ़कर ट्रेन जो है हमारे भारत में चलेगी, हमारे अपने के बीच में चलेगी और हम उसमें सफर करेंगे, अपनी यात्रा करेंगे, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही गर्व की बात महसूस हो रही है उनको। बिल्कुल गिरीश, गर्व की बात है भी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ऐसी ट्रेनों की कभी शायद अगर आज से 15-20 साल पहले अगर हम देखें तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दिल्ली एनसीआर में कोई इस तरीके की ट्रेन चलेगी। गिरीश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे और जानकारियां लेंगे। हमारे साथ में इस वक्त अभिषेक भी बने हुए हैं और वो भी गाजियाबाद में ही मौजूद हैं। अभिषेक, देखिए इस ट्रेन में एक साथ करीब 1700 यात्री जो हैं वो एक साथ सफर कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी पहुँचेगा, साथ ही महिलाओं के लिए एक कोच जो है इसमें आरक्षित किया गया है और जून 2025 तक ये जो पूरा कॉरिडोर है वो बनकर तैयार हो जाएगा, यानी जो दिल्ली से मेरठ की दूरी है वो मात्र 45 मिनट की रह जाएगी। अभिषेक, बिल्कुल भावना, देखिए पूरा जो अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, ये एक शानदार प्रोजेक्ट है। आप इसे कह सकते हैं कि ये भारत के अंदर कनेक्टिविटी को लेकर के जो चेंज आया है, कनेक्टिविटी यानी कि विकास की सबसे पहली बुनियादी जरूरत, उसको लेकर क्या बदलाव आया है। आप पिछले 7-8 वर्षों में इसका लगातार एग्जाम्पल देख रहे हैं, आप रेलवे के अंदर बदलाव देख रहे हैं, आप मेट्रो की कनेक्टिविटी देख रहे हैं, देश के बड़े बड़े शहरों के अंदर आप पहली रीजनल रेल देख रहे हैं, वो भी गाजियाबाद, यानी कि दो बड़े शहर आप दिल्ली को कनेक्ट कर सकते हैं, एनसीआर का इलाका है गाजियाबाद और मेरठ इंडस्ट्रियल एरिया भी है, काफी लोग यहाँ रोजगार के लिए आते हैं, कई सारे जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है, ऐसे में कितना बड़ा ये किफ्ट है और वो भी ऐसी स्पीड जो कि आपने वंदे भारत में देखा 160-180 किलोमीटर की स्पीड, और इसकी स्पीड भी लगभग 180 किलोमीटर के आसपास से होगी, एवरेज 160 किलोमीटर पर दौड़ेगी, कई जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ ये आपको नजर आएगा। 6 बोगियों का कोच होगा, महिलाओं के लिए अलग से इसके अंदर एक कोच होगा, 2x2 जो जिस तरीके से देखते हैं पैसेंजर के बैठने की जो बैठने के लिए उनकी व्यवस्था होगी, CCTV की पूरी मॉनिटरिंग होगी, यानी कि पूरा ट्रेन जो सुरक्षित होगा। इसके अलावा जो व्हील चेयर है, जो दिव्यांगजन है उनके लिए जो व्हील चेयर रैम की व्यवस्था होगी, ऑन बोर्ड वाईफाई आपको मिलेगा, एक प्रीमियम कोच भी होगा इसमें, यानी कि एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। और आप देख सकते हैं कि रैपिड रेल जो कि 82 किलोमीटर का ये पूरे स्ट्रेच की अगर हम बात कर लें
तो ये पूरा 82 किलोमीटर का है, 25 स्टेशन हो गए, वहां से लेकर साहिबाबाद के बीच में शुरू हो रही है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि फिलहाल इसको लेकर के पूरे गाजियाबाद, मेरठ, पूरे एनसीआर के अंदर जो है लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को सुनने, उन्हें देखने के लिए और उन्हें थैंक यू बोलने के लिए कि कितनी बड़ी सौगात आपने इस एनसीआर को दिया, मेरठ को दिया और यहाँ पर। और लगातार प्रधानमंत्री का भी जिस तरीके से आपने देखा है जो विजन रहा है पूरे भारतवर्ष में, चाहे सड़कों के संपर्क को लेकर सीमावर्ती राज्यों के अंदर जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, नेशनल हाईवे की जो स्पीड है जहां हम 12 किलोमीटर प्रति रोज बनाते थे सड़क नेशनल हाईवे, आज हम 34 किलोमीटर प्रति पर डे के हिसाब से हम तैयार कर रहे हैं, पर मंथ के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा जो है गेम चेंजर साबित होगा जिस तरीके से कनेक्टिविटी जो है पूरे देश में फैल रही है। आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन 95,000 करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप समझ सकते हो कि जितने नॉर्थ ईस्ट के 7 जो स्टेट हैं उनको जोड़ा जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, जिनसे 5 स्टेट जो है वो जुड़ भी चुके हैं, उनकी राजधानी जो है रेल नेटवर्क से जुड़ चुकी है, 2 स्टेट पे और काम चल रहा है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर जो वो काम कर रहा है, सड़कों का जाल बिछा 65,000 करोड़ से ज्यादा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में जो है वहां पर नेशनल हाईवे का काम हो रहा है। अब मेट्रो का देखें, जो आप बड़े शहरों का अगर नाम ले, जयपुर, अहमदाबाद, कोलकाता जी, आप किस भी बड़े शहर का नाम ले वो मेट्रो का जाल बिछ रहा है। अब रैपिड रेल की बारी है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो विजन है कि कनेक्टिविटी अगर अच्छी होगी तो हम वर्ल्ड की 3री सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो जल्द से जल्द बन पाएंगी। बिल्कुल, और उसके लिए लगातार कदम भी भारत सरकार की तरफ से भी बढ़ाए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए अभिषेक, तो सिर्फ दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नहीं बल्कि दिल्ली गुरुग्राम, SNP, अलवर भी, और इसके साथ ही दिल्ली पानीपत के क्रियान्वयन को भी प्राथमिकता दी गई है, वहां पर भी यही ट्रेन चलाई जाएगी। यानी कि आने वाले समय में जो लोग गुरुग्राम के जाम में हर रोज फंसते हैं उनको भी कहीं ना कहीं बहुत सहूलियत होने वाली है जब वहां पर कॉरिडोर बनकर तैयार रहेगा। और ये तस्वीरें भी इस वक्त अभिषेक आपके पास वापस आएंगे, ये तस्वीरें सुख दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ट्रेन में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं और स्कूली छात्र छात्राओं से वो बातचीत कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें सुख आपको दिखा रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री का शुरू से ही बच्चों के प्रति कितना लगाव है ये हम अक्सर देखते हैं। जब भी इस तरह की कोई भी योजना आती है तो बच्चे अक्सर नजर आते हैं और उनसे रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि यही बच्चे हैं जो कल का भविष्य है, देश का भविष्य है। तो ऐसे में, और ये लड़कियां आप देख रहे हैं कॉलेज की, ये छात्र छात्राएं हैं, और साथ ही इस रेल के जो कर्मचारी हैं वो, उनसे भी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, जो ड्राइवर हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो पूरी टीम है बेसिकली, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस तरीके से नमस्कार भी कर रहे हैं, उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, सीधा संवाद उनके साथ कर रहे हैं। तो एक गर्व का ये क्षण हर उन सभी के लिए जो इस वक्त उस ट्रेन में भी मौजूद हैं और खास तौर पर जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर देखा जाए तो 2019 में इस कॉरिडोर की नींव रखी गई थी और तब से लेके अब तक मात्र करीब लगभग 4 साल के अंदर ये अब जनता को समर्पित भी की जा चुकी है। और अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक देखिए, प्रधानमंत्री का जो प्रेम है बच्चों के प्रति वो अक्सर नजर आता है और आज भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, बच्चों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं इस ट्रेन के अंदर। बिल्कुल भावना, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लगातार देखते आए होंगे, पहले वंदे भारत ट्रेन से लेकर के अभी जब 34 टोटल अगर हम बात करें 68 सर्विसेज वंदे भारत की देश भर में चल रही है, उसमें भी प्रधानमंत्री जहां भी गए 17 से 18 जो वंदे भारत ट्रेन है उसको प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई और हर जगह आपने देखा कि प्रधानमंत्री वहां बच्चों से कनेक्ट करते हैं, बच्चों से पूछते हैं, उनकी राय पूछते हैं, उनकी क्या सोच है, उनको कैसा लग रहा है बदलाव, उनकी आगे की जनरेशन क्या चाहती है, प्रधानमंत्री उनसे कनेक्ट करते हैं। और ये बहुत बड़ी विशेषता है प्रधानमंत्री की। आप प्रधानमंत्री को देखेंगे मन की बात में हो, परीक्षा पे चर्चा हो, लगातार प्रधानमंत्री जो युवा है, जो आने वाला भविष्य है, उनके साथ कनेक्ट होते रहे। और आज भी ये आपको साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो है रैपिड रेल के अंदर जो है बच्चों से मिल रहे हैं,
सभी उम्र के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, इन सब से जो है कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी भी राय ले रहे हैं, उनको भी उनको जो पूछना है वो किस तरीके की भारत की परिकल्पना कर रहे हैं वो बच्चे उन्हें बता रहे हैं, वो रैपिड रेल के अंदर किस तरीके की सुविधा है उसमें प्रधानमंत्री उनसे जानकारी लेते हैं। तो प्रधानमंत्री बच्चों से इस तरीके से कनेक्ट करते हैं और इतनी बड़ी गिफ्ट है आप समझ सकते हैं बच्चों के लिए भी, खासतौर पर कॉलेज हो दिल्ली में पढ़ने वाले या फिर आसपास इस तरीके से मेरठ। बिल्कुल अभिषेक, और यही बच्चे जो हैं कल का देश का भविष्य भी हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार उनसे खुद कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। अभिषेक आपके पास में वापस आएंगे, हमारे साथ में गिरीश भी लगातार बने हुए हैं। गिरीश देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हरी झंडी दिखाने के बाद में खुद भी इस ट्रेन में अब सफर करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही जो कर्मचारी हैं, जो ड्राइवर हैं इस ट्रेन के, जो इंजीनियर्स हैं या यूं कहें कि जो पूरी टीम है उससे भी उन्होंने सीधा संवाद किया है और जानकारियां ली हैं, साथ ही धन्यवाद भी प्रधानमंत्री देते हुए इस दौरान स्पीच नजर आए हैं। गिरीश जी बिल्कुल, कृतिका आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने पहले नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और उसको रवाना किया और उसके बाद अगली जो ट्रेन है उसके अंदर वो खुद बैठे और उस ट्रेन का जायजा लिया कि किस तरह की ट्रेन बनाई गई है, इसमें खास तौर पर कुछ विद्यार्थी मौजूद थे, इसके अलावा जो महिलाएं हैं जो RRTS में कार्यरत हैं वो महिलाएं भी इस ट्रेन में उनके साथ में थी, उनसे उन्होंने जाना कि किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से उनका रूपरेखा रहती है, तो तमाम बातें उन्होंने उनसे की, उसको समझने का प्रयास किया, क्योंकि तो ज्यादातर इसमें संख्या देखने को जो मिलेगी भविष्य में कहा जा रहा है कि महिलाओं को ज्यादा इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी RRTS के अंदर, चाहे वो RRTS ट्रेन चलाने की बात हो, चाहे टिकट काउंटर की बात हो, तमाम जो ऐसी जगह है वहां पर महिलाओं को बढ़ावा देने की जिस तरह से प्रधानमंत्री भी बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं परिलक्षित होता हुआ नजर भी आता है। यहाँ पर जब ऑन ग्राउंड देखते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, हर जगह काम करती नजर आ रही हैं, चाहे मेट्रो हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज हो, हर जगह महिलाएं सबसे आगे अब दिखाई देने लगी हैं, तो कहीं ना कहीं आज भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन के अंदर यात्रा की और यात्रा करते समय उन्होंने जो है खास तौर पर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, जो इसमें कार्यरत हैं उनसे बातचीत भी की, तो अपने आप में एक आज ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, अब ये देश को समर्पित हो गई है और कल से ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सौगात देने के बाद आम जनता को समर्पित हो जाएगी और कल सुबह 6 बजे से इसमें आम जनता भी यात्रा कर सकेगी इस ट्रेन के अंदर और रात को 11 बजे तक इसमें यात्रा की जा सकती है। और अब से कुछ देर पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस ट्रेन का जायजा लिया, दौरा किया, तो कहीं ना कहीं आज इस ट्रेन के लिए भी ऐतिहासिक क्षण है और साहिबाबाद, गाजियाबाद, दुहाई के लोगों के लिए भी आज ऐतिहासिक क्षण बन गया है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री खुद यहां पर आए हैं और साहिबाबाद में पहुंचकर उन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और अब से कुछ देर बाद कृतिका प्रधानमंत्री यहां से निकलने के बाद एक रैली को भी संबोधित करेंगे जहां पर न केवल साहिबाबाद, वसुंधरा, वैशाली और आसपास के जो क्षेत्रों के लोग हैं वो हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री यहां पर संबोधित भी करेंगे इस रैली को। जी बिल्कुल ठीक है गिरीश, आपके पास में वापस आएंगे। अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अब देखा जाए तो ये ट्रेन जो है वो तो अब जनता को समर्पित हो ही चुकी है, लेकिन क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं, आपने उन यात्रियों से भी बातचीत की होगी जो हर रोज दिल्ली से मेरठ का सफर करते हैं, कोई ट्रेन के जरिए सफर करता है, कोई अपने वाहन से सफर करता है, कोई बस के जरिए सफर करता है, तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है अभिषेक? बिल्कुल कृतिका, देखिए तमाम जो लोग हैं आज एक तरीके से कहा जाए तो गाजियाबाद, मेरठ, मुरादनगर या फिर आप मोदी नगर की बात करें, दुहाई की बात करें, तो यहाँ पर एक तरीके से छुट्टी मना रहे हैं लोग, एक तरीके खुशी जाहिर कर रहे हैं और वो ज्यादातर लोग जो कामकाजी लोग हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस जो अब जहाँ भी प्रधानमंत्री थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे इस जनसभा के लिए वहां पर मौजूद है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के मन में कितना बड़ा उत्साह है। हमने कई लोगों से बातचीत भी किया, कहते हैं कि जिस तरीके से जो स्पीड हम देख रहे हैं, जिस स्पीड से काम किया जा रहा है रेलवे को लेकर, सड़कों को लेकर के,
हम सिर्फ मोदी जी का यहाँ धन्यवाद करने के लिए आए हैं, और कई लोग जो है कि वो अपना दफ्तर में आज का काम छोड़ करके, यहाँ तक कि आज की जो स्कूल है गाजियाबाद के कई स्कूल, दुहाई के कई स्कूल, इन स्कूलों में भी जो है आधे दिन का या पूरे दिन का अवकाश दिया गया है, ताकि वो बच्चे भी जो है वो अपने घर से या फिर किसी और माध्यम से जो है वो प्रधानमंत्री को सुन सके इस तरीके से। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी, कितना बड़ा वरदान है इस पूरे क्षेत्र के लिए, और खास तौर पर इस पूरे, अगर हम जो रैपिड रेल है ये नमो भारत, इसकी अगर हम बात करें तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी जुड़ा होगा ये, जहां जहां कनेक्ट होगा यहाँ पर बस की सेवा होगी, मेट्रो की सेवा होगी इस तरीके से, और इसको उसके जरिए भी जोड़ा जाएगा। साथ साथ अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो है इसके अलावा भी कई और जो है आने वाले समय में आप यहाँ पर रैपिड रेल इसके अलावा भी देख सकेंगे, बुनियादी ढांचे को और तरीके से आप विकसित होते हुए देख सकेंगे, जिसमें से कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के बाद दिल्ली गुरुग्राम अलवर कॉरिडोर की हम बात कर सकते हैं, दिल्ली पानीपत कॉरिडोर की बात कर सकते हैं, यानी कि आने वाला समय इस तरीके के रैपिड रेल, मेट्रो रेल, वंदे भारत, नमो भारत, आप हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, मतलब आप देश के अंदर जो लोग विदेशों में देखते थे वो अब चीजें देश के अंदर वो भी पूरी तरीके से आत्मनिर्भर यानी स्वदेशी वो बनकर रेडी हो रहा है, और उसके बाद जो है इनका इनको जो है चलाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कॉरिडोर की जो है आधारशिला रखी थी, 2023 चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, इतना छोटा आसान नहीं है पूरे कॉरिडोर को बनाना, एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना, उसके बाद इस तरीके से सब कुछ एक बहुत आप कह सकते हैं स्पीड आया है काम में। आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात कीजिए, एक जो आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है 1335 किलोमीटर का, वो बनकर रेडी हो चुका है, यानी सोचिए कि अब मालगाड़ियां उस पर दौड़ेंगी तो सवारी गाड़ियों के लिए अलग से ट्रैक मिलेगा, उनकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो लगातार काम इस तरीके से किया जा रहा है, और आप इसके अलावा ही प्रधानमंत्री एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, इसका उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री दो मेट्रो जो है पूर्वी और पश्चिमी बेंगलोर को जो है वहां पर उसकी भी उसको भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो कि दो इन दो खंडों में बयन हल्ली को कृष्णराजपुरा और केंगेरी को चेला घट्टा से जोड़ा जाएगा, यानी कि आज ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, दिल्ली के लिए, बल्कि कर्नाटक के लिए भी एक बड़ा दिन है, उन्हें भी दो मेट्रो की सौगात मिलेगी। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में कहा था कि हम सब अर्बन रेल जो है पूरे बेंगलोर को, जिस तरीके से आपने मुंबई के अंदर देखा है सब अर्बन रेल का जिस तरीके से जाल बिछा हुआ है, उस तरीके से बेंगलोर को इक्विप करेंगे, उस पर काम करने जा रही है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी, और अब जो है वहां पर दो मेट्रो के और प्रोजेक्ट भी आज प्रधानमंत्री समर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अभिषेक आपके पास में वापस आते हैं, गिरीश के पास चलते हैं सीधा, गिरीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गिरीश, अगर देखा जाए तो इस ट्रेन में जो है वो सुविधाओं से तो लेस है ही, लेकिन किराए की अगर बात करें तो किराया भी बहुत कम है, न्यूनतम किराया 20 रुपये है, और अभी जो ये ट्रेन चल रही है साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक, उसके लिए 50 रुपये हर व्यक्ति को चुकाने होंगे, तो यानी कि किराए के मामले में भी अगर देखा जाए तो बहुत न्यूनतम किराया इस ट्रेन का रखा गया है, ताकि हर एक व्यक्ति इस ट्रेन में आसानी से सफर कर सके। गिरीश, गिरीश आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, हमारी आवाज अभी तक गिरीश तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधेंगे, लेकिन साथ ही अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, अगर किराए की बात करें तो जो जी, अभिषेक आवाज मिल रही है आपको? जी कृतिका बोल। जी अभिषेक, अगर देखा जाए तो इस ट्रेन में जो कोच है, जो स्टैंडर्ड कोच है, उसका न्यूनतम किराया 20 रुपये रखा गया है, वहीं गाजियाबाद से, वहीं साहिबाबाद से लेकर के दुहाई डिपो की अगर हम बात करते हैं तो 50 रुपये किराया रखा गया है, और जो इसका जो प्रीमियम कोच है उसका 100 रुपये किराया, यानी कि अगर आम व्यक्ति अगर जाता है तो मात्र 50 रुपये में साहिबाबाद से लेकर दुहाई डिपो तक वो सफर कर सकता है, बहुत न्यूनतम किराया रखा गया है, हर एक व्यक्ति आराम से इसमें सफर कर पाएगा। बिल्कुल कृतिका, देखिए जिस तरीके से आपने देखा है कि मेट्रो का किराया हो तो लगभग रैपिड रेल का किराया भी उसी के आसपास है, जबकि दूरी जो है आप देखिए कि साहिबाबाद से लेकर दुहाई की जो दूरी है 17 किलोमीटर की है, जी जो मेरठ है, जो पूरा रूट जब कंप्लीट हो जाएगा ये 82 किलोमीटर का होगा, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बजट, लोगों के बजट का ध्यान रखा गया है, लोगों के पॉकेट का ध्यान रखा गया है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर,
जब ये बनकर तैयार होगा, ऐसा नहीं कि इसमें जो जिसके पास पैसे हैं, जिनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, जो खर्च ज्यादा कर सकते हैं, वो ट्रेवल कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल आम आदमी, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफर करेगा, वैसे ही इसका किराया रखा गया है कि एक आम आदमी, चाहे वो यहाँ पढ़ने के लिए आ रहा हो, रोजगार के लिए आ रहा हो, व्यापार के लिए आ रहा है, या फिर कमाने के लिए आ रहा हो, या फिर मेहनत करने आ रहा हो, उन सबके पॉकेट में इसका टिकट जो है वो ठीक ठीक बैठेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो का एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेहनत किया जा रहा है, और दूसरे तरीके से जो है वो यहाँ पर लगातार की लोगों को सहूलियत दिया जाए। आपने देखा रेलवे का किराया पिछले 7-8 सालों से नहीं बढ़ा, पहले ये बहुत बड़ा मुद्दा होता था रेलवे का किराया बढ़ना। आप देख सकते हैं लगातार जो किराए को लेके जो आम लोगों की जो सोच है उसको उनको बजट में रखने का ये बिल्कुल ये प्रयास रहा है कि आम जनता से लेकर के हर तबके को जो है इसका जो है फायदा मिल सके। और इस रैपिड रेल के शुरू हो जाने से एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे आप। ये क्षेत्र वैसे पहले से भी काफी विकसित है, लेकिन आप सब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और कनेक्ट होगा, यहाँ पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो फायदा है वो और मिलेगा, और उसका बहुत बड़ा असर दिल्ली पे भी आएगा। सबसे बड़ी बात कि रोड पर जो आज जो ट्रैफिक कंजेशन है उसमें बहुत ज्यादा जो उससे निजात मिलेगा, एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा पॉल्यूशन पर। जो पॉल्यूशन आप देखते थे दिल्ली में पहले लाखों की संख्या में ट्रक आता था, प्रतिदिन जो है 65,000 से ज्यादा जो बड़े ट्रक है वो एंट्री करते थे। इसको लेकर के दो पेरिफेरल बनाया गया, वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल का निर्माण किया गया कि बाहर से आने वाले ट्रक जो है वो दिल्ली के बाहर बाहर ही चले जाए। अब उसके बाद जो है आपने देखा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया, रैपिड रेल, अब रैपिड रेल आ गया है, यानी कि अब और जो लोग हैं जो अपने पर्सनल वाहनों से आते हैं जी वो अब जो है वो डायरेक्ट अब रैपिड रेल का उपयोग कर सकेंगे, तो पॉल्यूशन से भी एक बहुत बड़ा निजात मिलेगा। इसके अलावा भी दिल्ली में पॉल्यूशन, एनसीआर में पॉल्यूशन को कम करने के लिए बिल्कुल सरकार लगातार प्रतिबद्ध है, और अब प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जो जनसभा स्थल यहाँ पर पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जो है वो मंच पर भी उपस्थित होंगे। कृतिका बिल्कुल अभिषेक, और इंतजार उस पल का किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और देखना होगा कि किन किन चीजों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में करते हुए नजर आएंगे। लेकिन खासतौर पर अगर देखा जाए अभिषेक, तो आपको याद होगा कि दिल्ली में एक वक्त वो था जब बहुत ज्यादा जाम पूरी दिल्ली में लगता था, लेकिन जब से दिल्ली मेट्रो आई साल 2002 की अगर बात करें, 2002 से लेकर के 2023 लगभग 21 साल, तो इस बीच काफी हद तक दिल्ली में ट्रैफिक जाम की जो समस्या थी उससे निजात लोगों को मिली है। और तो उसी की तरह से अगर देखा जाए तो आगे आने वाले समय में दिल्ली मेट्रो की तरह ही ये रेल भी अपनी भूमिका निभाती हुई नजर आएगी, लेकिन उससे ज्यादा सुविधाएं इस रेल में नजर आ रही है। अभिषेक बिल्कुल सुविधा, दिल्ली में ट्रैफिक फ्लो के कंट्रोल के लिए केंद्र सरकार ने बड़े बड़े कदम उठाए। अभी कुछ दिनों पहले की बात करी, बिल्कुल जी जहाँ ने G20 कम्प्लीट किया, आप देख सकते हैं वहाँ पर प्रगति मैदान टनल प्रधानमंत्री ने ट्रेंड का इनॉग्रेशन किया, यानी जो एक बड़ा सेंटर था प्रगति मैदान के आसपास जहाँ पे जाम लगा रहता था रोजाना, आप समझ सकते हैं वहाँ एक मिनट की दूरी पर, एक मिनट के समय पर आप इंडिया गेट के लिए पहुंच जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन से। बिल्कुल, कैसे दिल्ली के अंदर ट्रैफिक कंजेशन को कम किया जाए इसको लेकर के काफी प्रयास किए गए। ईस्टर्न पेरिफेरल की बात कर लीजिए, वेस्टर्न पेरिफेरल को पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों से जो ट्रक आता था उसके कारण जो पॉल्यूशन होता था, बिल्कुल उसके कारण जो ट्रैफिक कंजेशन होता था उनको भी जाप दिया गया। बाहर से बाहर के राज्यों में जाने वाले जो ट्रक है वो दिल्ली आने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आउटर रिंग रोड के ऊपर यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय जो है UDF-1 और UDF-2 बना रहा है, यानी कि द्वारका तक जो है अब आपको इलेक्ट्रिक किसी बस हाईवे पे हमने अभी तक जो है गाड़ियों को फर्राटा भर के देखा, बिल्कुल अब इलेक्ट्रिसिटी बस भी आप देखेंगे, क्योंकि किस तरीके से आपने ट्राम देखा है, ट्राम चलता है ऊपर वायर होता है और उस तरीके से उसी तरीके से बिल्कुल आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बस दौड़ेगी, और आप समझ सकते हो इसकी स्पीड भी कम नहीं होगी 50 से 100 किलोमीटर जी। फिर यहाँ पर जिसका बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने सभास्थल पे पहुंचकर बड़ी संख्या में जो है तमाम गाजियाबाद के रास्ते हम
मेरठ की बात करें, भुवाई की बात करें, गोविंदनगर, निराग नगर, तमाम आस पास के तमाम लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे। यहाँ पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। और अब ऐसे ऐसे यहाँ पर लोगों की लगातार भीड़ बढ़ी है, उसको देख के अनुमान किया जा सकता है कि न सिर्फ रैपिड रेल बल्कि जिस रफ्तार से विकास हो रहा है पूरे देश में, उसको लेकर के लोगों ने का अपने का क्या मन है, लोगों ने किस तरीके से इसे जो है को लेकर के अपने उत्साह जाहिर किया है। तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। मैं आपको कहूँ की यहाँ पे भीड़ का खून देखा जा सकता है, उनके जी पांडाल में आपके बीच से होते हुए आ रहे हैं। ये गौरव भरा क्षण है हम सबके लिए देवी सज्जनों। 2014 वर्ष हमारे लिए, इस देश के इतिहास के लिए बहुत ही सुनहरे अक्षरों में इसलिए लिखा जाएगा जब पहली बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस देश की बागडोर प्रधानमंत्री के रूप में संभाली। सबका साथ का उन्होंने संकल्प लिया, सबके विकास का संकल्प लिया और सबके साथ और सबके विकास के साथ साथ आगे बढ़ते हुए सबके विश्वास और सबके प्रयासों के साथ आज भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये शिल्पी भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिनके नेतृत्व में भारत इस तरह से इस गति से आगे बढ़ रहा है। भारत देश गौरव से भरा हुआ देश आज ये जोश, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज ऐसी इस धरा पर पावन नवरात्रों के पुनीत अवसर पर देश को, उत्तर प्रदेश को और इस गाजियाबाद को जो सौगात, जो उपहार मिली है प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से, नमो भारत का ये उपहार है रैपिड रेल के रूप में। देवियों सज्जनों, हम इस धरा को वंदन करते हैं, इस मातृभूमि को वंदन करते हैं और इस मातृभूमि के प्रति पूरी तरह से समर्पित ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी विभूति जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। तालियों की आवाज में कमी नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन से लगातार इन दृश्यों को अपने स्मृतियों के लिए सहेजना चाहते हैं। यह स्मृतियां हमारे मानस पटल पर हमेशा अंकित रहेंगी। ऐसा अद्भुत और विलक्षण दृश्य हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा स्नेह माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस रूप में उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद की जनता और लोगों के प्रति जो अभिव्यक्त हो रहा है, ये स्वरूप हमें प्रेरणा भी दे रहा है, हमारे अंदर नई ऊर्जा का स्पंदन भी कर रहा है, हमें नए जोश से भर रहा है। देश अमृत काल में अपने विकसित भारत के निर्माण के प्रति तेजी से अग्रसर होते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में इस रूप में आगे बढ़ रहा है, जहां हर रोज नए कीर्तिमान विकास के, आर्थिक प्रगति के स्थापित हो रहे हैं, हर रोज एक नई गाथा लिखी जा रही है इस देश के गौरव के निर्माण की, हर रोज एक नया इतिहास सृजित हो रहा है, जहां इस देश को, भारत को पूरी दुनिया में गौरव के रूप में एक पहचान मिल रही है। आज इसीलिए अनेक विदेशी मेहमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सब यहां पधारे हैं और हम सबके लिए वंदनीय, हम सबके लिए अभिनंदनीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस स्नेह के साथ आपके बीच से पांडाल से होते हुए आना आपके प्रति उनके स्नेह की यह सुंदर और भावपूर्ण अभिव्यक्ति है और इस अभिव्यक्ति को हम अपनी प्रेरणा के रूप में अमृत काल में नए भारत के निर्माण के रूप में अपनी इस ऊर्जा को और इस प्रेरणा को समर्पित करेंगे। देवियों सज्जनों, क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद यानी 75 वर्षों की यात्रा जब भारत ने पूरी की, उसके बाद हम अगले 25 वर्षों के लिए जो हमने संकल्प लिया एक विकसित भारत के निर्माण का, उस संकल्प में जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं इस देश के बहुत ही विजनरी दूरदृष्टि वाले ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है, भारत का ध्वज ऊंचा किया है, भारत के गौरव को बढ़ाया है, भारत की संस्कृति के साथ साथ यहाँ के मानव जीवन, यहाँ के मानव कल्याण के तमाम प्रतिरूपों को दुनिया में स्थापित किया और उसके साथ साथ दुनिया के तमाम देशों में भी उन्होंने मानव कल्याण और मानव के हित के लिए
जो प्रयास किए हैं आज पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सबके बीच यहां मंच पर उनका आगमन होने वाला है, यह अवसर इसी ऊर्जा को बनाए रखने का है। इस ऊर्जा के साथ ही आज के इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी हम सब बन रहे हैं और इस अवसर का साक्षी बनते हुए हम सबको प्रेरणा जो मिल रही है वो प्रेरणा है 25 वर्षों के अमृत काल में भारत को एक विकसित आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारत के रूप में हर क्षेत्र में हर दिशा में इसको उस शिखर तक लेकर जाना है। और आपकी ऊर्जा इस बात का प्रतीक है कि यहां उपस्थित हर हमारे दर्शक हमारे अतिथि और आप सभी उसी ऊर्जा का हिस्सा हैं, आप उसी प्रेरणा से उत्प्रेरित हैं और आप उन्हीं संकल्पों का हिस्सा हैं जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़ जनता जिन सपनों आकांक्षाओं अभिलाषाओं को इस देश में साकार होते देख रही है वो अपने आप में बहुत अद्भुत हम सबके लिए है। एक समाज के हर वर्ग के लिए, जात से अलग, धर्म से अलग, क्षेत्र से अलग, सिर्फ सबके कल्याण के लिए, सबके विकास के लिए, सबके विश्वास के साथ, सबका प्रयास मिलकर जो आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, बहुत विलक्षण है। और ये अवसर हम सबको नए रूप में प्रेरित करेगा, नए रूप में हमारे अंदर एक जोश का उत्प्रेरण होगा, नए रूप में हम सभी एक आगे के और भारत के गौरवशाली भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान के अनुरूप हम सब अपनी अपनी भूमिका पूरे समर्पण के साथ पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। क्योंकि भारत आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे, भारत का गौरव बढ़ेगा तो हम सब का गौरव बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा तो पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी। क्योंकि आज भारत देश के नेतृत्व की तरफ पूरी दुनिया बड़ी आतुरता से देख रही है, उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। क्योंकि कोविड काल में भारत ने प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जिस रूप में मानव के हित के लिए, मानव की सुरक्षा के लिए, मानव की सेहत के लिए, मानव के कल्याण के लिए जो प्रयास भारत ने किए वो अपने आप में बहुत अद्भुत और बहुत विलक्षण रहे हैं। और इसीलिए दुनिया के हर कोने में भारत के प्रति और भारत के नेतृत्व के प्रति एक अलग तरह की निष्ठा और अलग तरह की ऊर्जा का स्पंदन हम देखते हैं, उसका प्रस्फुटन हम देखते हैं, उसका प्रदर्शन हम देखते हैं। और आज हम सब यहाँ पर बहुत सौभाग्यशाली हैं, माँ का आशीर्वाद हम सबको मिले, माँ के आशीर्वाद से ये देश आगे बढ़े फले फूले। इस रूप में नवरात्रों के पुनीत अवसर पर ये आयोजन और ऐसी शुरुआत जो इतिहास में दर्ज हो चुकी है। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों से नमो भारत ऐप का जो उद्घाटन किया है और उसकी यात्रा भी की है, अब ये अवसर है जब वो हम सबके बीच यहाँ इस मंच पर पधार कर हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति हम सबको हमेशा नई ऊर्जा से भरती है, नई प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के रूप में इस देश को मिला है। और इसीलिए देश का हर तबका, हर वर्ग और विशेष तौर पर इस देश के युवा अपने आप को इस देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में सदैव समर्पित करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्योंकि ये अगला अमृत काल जो 25 वर्षों का है, ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान के अनुरूप ये अमृत काल उन युवाओं का है जो इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने आप को पूरी निष्ठा के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ, अपनी क्षमता के अनुरूप अपने आप को समर्पित करेंगे इस राष्ट्र के निर्माण के लिए। और इसीलिए आज इतिहास के सृजन में, इतिहास का ये पन्ना जो दर्ज हो चुका है, इतिहास आने वाली पीढ़ियां इस बात पर हम सब के बारे में हमें इस बात का गर्व होगा कि हम ऐसे आयोजन का हिस्सा बने जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत की शुरुआत की। और नमो भारत की शुरुआत के साथ इतिहास में एक भारत में एक ऐसे परिवहन व्यवस्था की शुरुआत हो रही है जो आज के पहले कभी हमने नहीं देखी। विश्व स्तरीय तकनीक से युक्त, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस, अनुपम विलक्षण त्वरित गति की ये परिवहन की व्यवस्था नमो भारत, उसका साक्षी बनने का और कल से उसकी यात्रा का सुख लेने का अवसर हम सबको मिलेगा। गाजियाबाद की यह धरती, इसे ये अवसर मिला है इस तरह के आयोजन का, इसलिए अपने आप में ये बहुत विशेष है हम सब के लिए, गाजियाबाद के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। और इसीलिए इन क्षणों में अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित करते हुए, आपको याद होगा प्रधानमंत्री महोदय ने अमृत काल के लिए 5 प्रण जो है हम सबके और देशवासियों के समक्ष रखे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश के युवाओं के समक्ष 5 प्रण जो रखे, वो प्रण हमें विकसित। नमस्कार देवियों सज्जनों, आज
एक ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक गाजियाबाद के लिए, ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश के लिए, ऐतिहासिक पूरे देश के लिए, क्योंकि आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से RRTS के नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन हुआ। वो देश का पहला सेमी हाई स्पीड हाई फ्रिक्वेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक और सुविधाओं से लैस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। देवियों सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने RRTS के दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के प्राथमिक खंड यानी साहिबाबाद से दुहाई डिपो के खंड का उद्घाटन किया है। और उद्घाटन ही नहीं, आप नए नमो भारत के पहले यात्री भी हैं। देवियों सज्जनों, आइए हम सब मिलकर करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के इस कृपा और उनके स्नेह के लिए उनका अभिनंदन वंदन करें, स्वागत करें आप सबके करतल ध्वनि के साथ। इस ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर गरिमामय उपस्थिति है उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य साथी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा नागरिक विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री साथी गाजियाबाद से सांसद जनरल VK सिंह जी, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप जी, माननीय मंच पर विराजमान सभी सांसदगण, विधायकगण मंच पर विराजमान सभी अतिथियों विभूतियों को और आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। देवियों सज्जनों, और आज के इस विशेष अवसर पर कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धरमैया जी भी वर्चुअली यानी वीडियो लिंक के माध्यम से हमसे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आज के इस आयोजन में। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप पुरी जी से कि वे सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय को नमो भारत रैपिड रेल का एक मॉडल एक प्रतिरूप भेंट करें। तालियों की गूंज करतल ध्वनि की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए, ये नमो भारत है, ये नया भारत है। देवियों सज्जनों, अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट करके उनका अभिनंदन उनका वंदन करें आज के इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति के लिए। और इस अभिनंदन वंदन में आपकी करतल ध्वनि की गूंज मंच तक आनी चाहिए, दूर तक आनी चाहिए। और साथ ही पावन नवरात्रों के पुनीत अवसर पर माँ दुर्गा की प्रतिमा भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माँ दुर्गा की कृपा इस देश पर देशवासियों पर पूरी धरा पर रहे, ये हम सबकी कामना और हम सबकी प्रार्थना है। पुनः वंदन अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। हम सबके लिए ये बहुत विशेष ऐतिहासिक क्षण है इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए। माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धरमैया जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय डिग्निटरीज और गेस्ट्स एवं NCR और बेंगलुरु के भाइयों और बहनों, भारत के शहरी विकास में एक और अध्याय जुड़ने के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज एक विशेष दिन है क्योंकि आप भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की ट्रेन नमो भारत का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके साथ ही आप केआरपुरा से बजियन पनहली तक और केंगरी से चलघट्टा तक बेंगलोर मेट्रो लाइन के दो खंडों का देश को समर्पित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमो भारत भारत की वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज की एक मैनिफेस्टेशन है, सफल चंद्रयान मिशन की तरह। दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के इस 17 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी सेक्शन
का उद्घाटन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक नया माइलस्टोन है। एनसीआर के निवासियों के पास अब एक रिलायबल हाई फ्रीक्वेंसी पॉइंट टू पॉइंट रीजनल ट्रैवल की सुविधा होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपने 2014 में दायित्व संभाला उस समय देश में केवल 2048 किलोमीटर की मेट्रो रेल ऑपरेशनल थी। तब से अब तक केवल 9 वर्षों में आज 20 विभिन्न शहरों में 895 किलोमीटर की मेट्रो लाइंस ऑपरेशनल हैं। देश भर में प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक नागरिक मेट्रो रेल सिस्टम का उपयोग करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ वेस्टर्न देशों ने 19वीं सदी में अंडरग्राउंड मेट्रो रेल का निर्माण शुरू किया। उस समय हमारे देश में यह असंभव लगता था। आज से कुछ 50 वर्ष पहले जब मैंने भारत के राजदूतावास टोक्यो में अपनी नौकरी शुरू की, उस समय मैं सोचता था कि क्या भारत कभी टोक्यो जैसे शहरों के मेट्रो सिस्टम की बराबरी कर पाएगा। मेट्रो निर्माण कार्यों में अन्य देश हमसे काफी आगे थे, लेकिन अब हमने केवल उनके बराबर ही नहीं पहुंचे हैं, बल्कि हम जल्द ही उनसे आगे निकलेंगे। 2-3 वर्ष में भारत अमेरिका के पीछे छोड़कर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में से सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम बनने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके बोल्ड और इमेजिनेटिव विजन के साथ इस नए मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए भारत के नागरिकों का धन्यवाद देता हूं। नमो भारत इस अमृतकाल में एक न्यू एंड सस्टेनेबल फ्यूचर बनने में हमारी मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री। देवे सज्जनों, आज इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री महोदय बेंगलुरु मेट्रो के एक महत्वपूर्ण परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। बेंगलुरु मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के 2 खंड के आरपुरा से बैयप्पन्ना हल्ली और किंगेरी से छलागट्टा खंड का लोकार्पण आज होना है। इस अवसर पर कर्नाटका के माननीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धरमैया जी वीडियो लिंक के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं। Once again, I welcome Honorable Chief Minister of Karnataka and request him for his address. Manani Mukhya Mantri Karnataka, Shri Siddha Ramaiah Ji. Shri Uravanvita, Pradhana Mantri Galadanta, Sanmanya, Narendra Modi Ji, नरेंद्र मोदी जी और सन्मान्य योगी आदित्यनाथ, माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री वेदिके मेलिरतक इतर एल गण्यर समारंभदल्लि ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರೇ, ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರದಿಂದ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಗೇರಿಯಿಂದ ಛಲಗಟ್ಟ ನಡುವಿನ 2 ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ
ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನಗರ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಹಳ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ನಗರಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 42.3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು 5,630 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಎರಡೂ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಮನಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 74 ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತ ಎರಡೂ ಸೇರಿ 74 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನ 17/6/2017 ಭಾರತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರು ಇತರ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಸುಮಾರು 76.06 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಂತ. ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30,695 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಭರದಿಂದ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು 76 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷದಿಂದ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾಗಸಂದ್ರದಿಂದ ಮಾದವಾರದವರೆಗಿನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ 3.14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗವು ಮತ್ತು ಆರ್ವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದವರೆಗೆ 19.15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಉದ್ದದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ವೇಳೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ನಾಗವಾರದವರೆಗಿನ 21.26 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಉದ್ದದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 25 ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಜಾಲವು
117 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗೆ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 12 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಂತ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 11,583 ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಓಆರ್ಆರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ರೋ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 58 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಉದ್ದದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹಂತ 2A ಮತ್ತು 2B ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ರು 14,788 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು 2026 ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಇದುವರೆಗೆ 4,775.36 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲವು 176 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಆಗಲಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಂದಾಜು 15,611 ಕೋಟಿ ರೂಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಡಿಪಿಆರ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಜಾಪುರದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳದವರೆಗಿನ 37 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಉದ್ದದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ 3A ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 2031 ವೇಳೆಗೆ 317 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಿಎಂಪಿ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 257 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮಾರ್ಗವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಚಿವರುಗಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಧಾರಣ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ 14,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾದ ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಲವಾದ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಆಭಾರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾನನೀಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಿ. ದೇವ ಸಜ್ಜನೋ, ಆಜ್ ಇಸ್ ಮಂಚ್ ಸೇ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಹೋದಯ ಉನ್ನೊನೆ ಜೊ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೋ ಸೌಗಾತ್ ದಿಯೆ ಉಸ್ಕೆ ಪೆಹಲೆ ಮೇ ನಿವೇದನ್ ಕರುಂಗಾ ಮಾನನೀಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಜಿ ಆಪ್ ಸಬ್ಕೆ ಕರ್ತಲ್ ಧ್ವನಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮಾನನೀಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಹೋದಯ ಸೇ ಉನ್ಕೆ ಸಂಬೋಧನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी, श्री कौशल किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी,
माननीय सांसदगण श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, श्री सतपाल सिंह जी, श्री अनिल अग्रवाल जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, श्री विजयपाल सिंह तोमर जी, श्रीमती कांता करदम जी, महापौर श्रीमती सुनीता दयाल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती ममता त्यागी जी, सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, वर्चुअली जुड़े हुए कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धरमैया जी और एनसीआर में गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ से जुड़े हुए देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रैपिड रेल, जिसे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित कर रहे हैं, नमो भारत के रूप में विजयादशमी के पूर्व इस नए उपहार के लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपका आज के इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, शारदीय नवरात्रि में आपका ये उपहार सदैव से हम के लिए एक उपकार है। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर इस देश ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है। एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन बने, अमृत भारत के अंदर 500 रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार का कार्य जिस गति के साथ चला है, आज वह भी भारत देख रहा है। वंदे भारत ट्रेन ने एक नए भारत का दर्शन कराया है और आज देश की पहली नमो भारत उत्तर प्रदेश को देने के लिए और उसका शुभारंभ करने के लिए आप अपनी व्यस्तता के बावजूद गाजियाबाद में स्वयं पधारे हैं। मैं बाबा दुग्धेश्वर नाथ की इस पावन धरा पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्शन कर रहा है। ये डबल इंजन की सरकार के ही प्रयास हैं कि आज उत्तर प्रदेश के 5 सिटी ऐसी हैं जहां पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के रूप में रैपिड मेट्रो रेल का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है और फरवरी में आपके ही कर कमलों से आगरा में भी मेट्रो रेल का संचालन प्रायोरिटी सेक्शन में प्रारंभ होगा। इस दृष्टि से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधा के साथ ही वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के धाम में जिस देश की सबसे प्राचीन अविनाशी काशी को आज आपने उसकी पुरातन काया को नए कलेवर के रूप में बदलते हुए देश की पहली रोप वे सर्विस का कार्य भी आज वाराणसी में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। यह एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे के रूप में, एक्सप्रेस हाईवे के रूप में, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में, लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने के जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिले हैं और उसी का परिणाम है कि देश ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इस अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आपके यशस्वी नेतृत्व ने देखा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हुए
देश की पहली आरआरटीएस को आज शुभारंभ करने के लिए और कितने शानदार रैपिड रेल है, 150 किलोमीटर तक हम लोगों ने इस यात्रा में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में इसकी यात्रा स्वयं भी की। दिल्ली से मेरठ की दूरी को कम कर देगी यह सेवा। इससे पहले मेरठ को 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ जोड़ा जा चुका था और 12 लेन का 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश में यह कभी एक सपना था, लेकिन आज मोदी है तो मुमकिन है यह सपना इस रूप में साकार होकर के उत्तर प्रदेशवासी भी देशवासी भी देख रहे हैं, क्योंकि जो दूरी 4.5 घंटे लगती थी आज मात्र 45 मिनट में दूरी को तय किया जा सकता है। और यही स्थिति रैपिड रेल की प्रारंभ होने के साथ अब दिल्ली मेरठ के बीच की दूरी को उसी रूप में कम करने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से इस उपहार के लिए आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज आप स्वयं अपनी उपस्थिति के माध्यम से इस रैपिड रेल का उपहार देने के लिए विजयादशमी के पूर्व नवरात्रि के अवसर पर स्वयं गाजियाबाद में पधारे हैं, आपका मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। देवे सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, आज यहां देश के पहले नमो भारत रैपिड रेल के उद्घाटन के साथ साथ बेंगलुरु मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के 2 खंडों का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से होना है। ये 2 खंड है, केआरपुरा से बैयप्पन्ना हल्ली और खिंगेरी से चलागट्टा। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने करकमलों से रिमोट का बटन दबाकर बेंगलुरु मेट्रो के इन 2 खंडों का लोकार्पण करने की कृपा करें। In the last 9 years, under the leadership of the Honorable Prime Minister, remarkable growth and fast-paced development have propelled India to become the fastest-growing economy in the world. The accelerated urbanization necessitated convenient and quick public transport of people. Metro networks have become the pulsing arteries of these bustling cities. The metro network in the country has expanded from 248 kilometers in 5 cities to 895 kilometers in 20 cities in the last 9 years. And about 965 kilometer long metro lines are under construction in 19 cities. Desh ke shaharon mein public transport ko behtar banane ke liye 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। In continuation to inauguration of the line from Whitefield to Krishnarajapura on 25th March 2023, the 2 vital sections from Krishnarajapura to Baiyappanahalli and Kengeri to Chalagatta is all set for dedication to the nation by the Honorable Prime Minister. With the dedication of these vital sections under the joint effort of Government of India and Government of Karnataka, the complete east-west corridor is for a total length of 43.49 km with 37 metro stations, which powers the seamless metro connectivity to IT corridor and boosting economic growth. The total operational metro network of 74 km is expected to serve more than 20% of Bengaluru's population, thereby reducing traffic congestion and carbon footprint. Namma Metro, the lifeline of Bengaluru, now boasts of a ridership of over 7.5 lakh people per day and is working round the clock to provide Bengaluru the infrastructure it deserves to serve generations to come. बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बेंगलुरु मेट्रो के इन 2 खंडों के लोकार्पण के लिए। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच जिस नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया है, वो विश्व स्तरीय तकनीक और सुविधाओं से लैस
देश की पहली सेमी हाई स्पीड रैपिड रेल परियोजना है। आरआरटीएस की इस परियोजना के संचालन और रखरखाव का दायित्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC का होगा। आज शुरू हुई नमो भारत रैपिड रेल की इस परियोजना पर आधारित एक लघु फिल्म है। उस फिल्म के माध्यम से हम इस परियोजना की खूबसूरती को और इसके लाभों को और अच्छी तरह देख और समझ पाएंगे। आइए देखते हैं ये फिल्म। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश ने विकास के नित नए प्रतिमान गढ़े हैं। अभूतपूर्व गति से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण व मजबूत होती कनेक्टिविटी, ये नए भारत की नई पहचान है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। तेजी से विकसित होते भारत में जहां एक ओर मेट्रो शहरी कनेक्टिविटी को गति प्रदान कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी वंदे भारत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लंबी यात्राओं को तेज व आरामदायक बना रही है। इसी श्रृंखला में नजदीकी शहरों के बीच तेज व मॉडर्न रीजनल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज एक नए युग की शुरुआत हो रही है। देश को पहली नमो भारत ट्रेन मिल रही है। नमो भारत ट्रेन के पहले कॉरिडोर का निर्माण कार्य दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ के बीच 82 किलोमीटर के स्ट्रेच पर तेजी से चल रहा है। ये साहिबाबाद गाजियाबाद मोदी नगर और मेरठ जैसे शहरों को तीव्र गति से दिल्ली से जोड़ेगा। इसी नेटवर्क पर 13 स्टेशनों के साथ मेरठ में मेट्रो की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड के साथ ये दिल्ली मेरठ के बीच यात्रा में लगने वाले समय को 3 घंटे से घटाकर 1 घंटे से भी कम कर देगा। इस परियोजना की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2019 को रखी गई। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अनुरूप इन नमो भारत ट्रेनों को रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो एवं ISBT जैसे अन्य यातायात प्रणालियों से भी जोड़ा जा रहा है। 30,000 करोड़ की लागत से बन रही इस परियोजना से जनता के लिए रोजगार एवं व्यवसाय के नए अवसरों का सृजन होगा। साथ ही विश्व स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास तक सुगम पहुंच भी सुनिश्चित होगी। ये अत्याधुनिक नमो भारत ट्रेनें 2x2 ट्रांसफर सीटिंग, लगेज रैक, मोबाइल एवं लैपटॉप चार्जिंग जैसी विशेष सुविधाओं से लैस है। नमो भारत की अधिकतर प्रणाली जैसे कि ट्रेन सेट, हाई स्पीड व लास्टलेस ट्रैक का निर्माण मेक इन इंडिया के प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत भारत में ही किया गया है। इस पूरे कॉरिडोर को जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। केंद्र एवं उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के तहत इस कॉरिडोर का 17 किलोमीटर लंबा प्राथमिक खंड साहिबाबाद से दुहाई दीपों के बीच निर्धारित समय से पहले बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। आइए मिलकर साक्षी बने इस ऐतिहासिक क्षण का। देवी और सज्जनों, ये नया भारत है, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत। अमृतकाल में विकसित राष्ट्र होने का संकल्प ले चुका भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की ओर तेजी से आगे बढ़ता भारत, 140 करोड़ देशवासियों के सपनों, आकांक्षाओं और अभिलाषाओं का भारत। इस नए भारत के शिल्पी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश के जन जन की ही आस्था नहीं है बल्कि आज पूरी दुनिया ऐसे नेतृत्व के समक्ष नतमस्तक है, क्योंकि इस नेतृत्व में ही दुनिया को प्रगति, समृद्धि और मानव कल्याण की क्षमता दिखाई देती है। आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ एक बार पुनः वंदन अभिनंदन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करें कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको प्रेरित करें। परम आदरणीय इस देश के सत्वे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की,
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय ऊर्जावान मुख्यमंत्री भाई योगी आदित्यनाथ जी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी हरदीप सिंह पुरी जी, बीके सिंह जी, कौशल किशोर जी, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे परिवारजनों, आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है, आरंभ हुई है। लगभग 4 साल पहले मैंने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। आज साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक उस हिस्से पर नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं और ये मेरठ वाला हिस्सा 1 साल 1.5 साल के बाद पूरा होगा, उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। अभी मुझे इस अति आधुनिक ट्रेन से यात्रा का भी अनुभव मिला है। मैंने तो बचपन रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताया है और आज रेलवे का ये नया रूप मुझे सबसे ज्यादा आनंदित करता है। ये अनुभव प्रफुल्लित करने वाला है, आनंद से भर देने वाला है। हमारे यहां नवरात्रि में शुभ कार्य की परंपरा है। देश की पहली नमो भारत ट्रेन को भी आज मां कात्यायनी के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं और ये भी बहुत विशेष है कि इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। मैं दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी के सभी लोगों को नवरात्रि के पावन पर्व पर मिले इस उपहार के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। मेरे परिवारजनों, मेरा हमेशा से मानना है कि भारत का विकास राज्यों के विकास से ही संभव है। अभी इस समय हमारे साथ कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी भी जुड़े हुए हैं। आज बेंगलुरु में मेट्रो की दो लाइनों को भी देश को समर्पित किया गया है। इससे बेंगलुरु के आईटी हब की कनेक्टिविटी और बेहतर हुई है। अब तो बेंगलुरु में हर रोज लगभग 8 लाख लोग मेट्रो से सफर कर रहे हैं। मैं नई मेट्रो सुविधा के लिए बेंगलुरु के सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, 21वीं सदी का हमारा भारत आज हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में प्रगति की नई गाथा लिख रहा है। आज का भारत चंद्रयान को चंद्रमा पर उतार कर दुनिया में ये हिंदुस्तान छाया हुआ है। आज का भारत G20 का इतना शानदार आयोजन करके दुनिया के लिए आकर्षण का, उत्सुकता का और दुनिया का भारत के साथ जुड़ने का एक नया अवसर बन गया है। आज का भारत एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा मेडल जीतकर दिखाता है और उसमें मेरा उत्तर प्रदेश भी होता है। आज का भारत अपने दम पर 5G लॉन्च करता है और उसे देश के कोने कोने में ले जाता है। आज का भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन करता है। जब कोरोना संकट आया तो भारत में बनी वैक्सीन ने दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई। बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत में मोबाइल और टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर ये बनाने के लिए हिंदुस्तान आ रही है। आज भारत लड़ाकू विमान बनाता है। लड़ाकू विमान के साथ साथ समंदर में तिरंगा फहराने वाला
विक्रांत जहाज भी बनाता है। और ये जो आज तेज रफ्तार नमो भारत शुरू हुई है, वो भी मेड इन इंडिया है, भारत की अपनी ट्रेन है। साथियों, ये सुनकर के आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? हर हिंदुस्तानी को उज्जवल भविष्य दिखता है कि नहीं दिखता है? मेरे नौजवानों को उज्जवल भविष्य दिखता है कि नहीं दिखता है? अभी जो प्लेटफॉर्म पर स्क्रीन डोर के सिस्टम का लोकार्पण हुआ है, वो भी मेड इन इंडिया है। और मैं एक और बात बताता हूं, हम हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करते हैं, ये प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर है ना, उसके अंदर इतनी आवाज आती है कि जैसे वो हवाई ट्रैक्टर है, हवाई ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से भी ज्यादा आवाज आती है, कान को बंद रखना पड़ता है। हवाई जहाज में जो आवाज आती है, मैंने आज देखा कि नमो भारत ट्रेन में हवाई जहाज से भी आवाज कम है, यानी कितनी सुखद यात्रा रहती है। साथियों, नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। नमो भारत इस बात का भी प्रमाण है कि जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो कैसे ये हमारे देश की तस्वीर बदल जाती है। दिल्ली और मेरठ का ये 80 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच तो एक शुरुआत है। सुनिए, ये तो एक शुरुआत है, पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। अब मैंने राजस्थान बोल दिया तो अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी। आने वाले समय में देश के और भी हिस्सों में नमो भारत जैसा सिस्टम बनेगा। इससे औद्योगिक विकास भी होगा और मेरे देश की युवा पीढ़ी के लिए, मेरे देश के नौजवान बेटी बेटियों के लिए रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। साथियों, इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। आप देखना दोस्तों, इस 10 साल में पूरी रेल आपको बदली हुई नजर आएगी। और मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है और न ही मुझे मरते मरते चलने की आदत है। मैं आज की युवा पीढ़ी को विश्वास देना चाहता हूं, मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को
दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। सुरक्षा हो, सुविधा हो, सफाई हो, सामंजस्य हो, संवेदना हो, सामर्थ्य हो, भारतीय रेल पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगी। भारतीय रेल 100% बिजलीकरण के लक्ष्य से बहुत दूर नहीं है। आज नमो भारत शुरू हुई है, इससे पहले वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेनें देश को मिली। अमृत भारत स्टेशन अभियान के तहत देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की ये त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बन जाएगी। आज देश में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है, यानी यातायात के अलग अलग माध्यमों को आपस में जोड़ा जा रहा है। ये जो नमो भारत ट्रेन है, इसमें भी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का ध्यान रखा गया है। दिल्ली के सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ के स्टेशनों पर कहीं रेल, कहीं मेट्रो, कहीं बस अड्डों को ये आपस में जोड़ती है। अब लोगों को ये चिंता नहीं करने पड़ेगी कि ट्रेन से उतरने के बाद वहां से घर या दफ्तर के लिए कोई दूसरा साधन खोजना पड़े। मेरा ये परिवारजनों, बदलते हुए भारत में ये बहुत जरूरी है कि सभी देशवासियों का जीवन स्तर सुधरे, क्वालिटी ऑफ लाइफ और अच्छी हो, लोग अच्छी हवा में सांस लें, कूड़े करकट के ढेर हटें, यातायात के अच्छे साधन हो, पढ़ाई के लिए अच्छे शिक्षा संस्थान हो, इलाज की बेहतर व्यवस्था हो, इन सब पर आज भारत सरकार विशेष जोर दे रही है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तो आज भारत, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत जितना खर्च कर रही है, उतना हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, यातायात के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए हम जल, थल, नभ और अंतरिक्ष हर दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आप वाटर ट्रांसपोर्ट को ही देख लें तो देश में आज की नदियों में 100 से अधिक वाटरवेज बन रहे हैं।
इसमें भी सबसे बड़ा वोटरवे मां गंगा के जल प्रवाह में बन रहा है। बनारस से लेकर के हल्दिया तक गंगा जी पर जहाजों के लिए अनेक वोटरवे टर्मिनल बनाए गए हैं। इससे किसान जल मार्ग के माध्यम से भी फल सब्जियों और अनाज बाहर भेज पा रहा है। हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास ने भी 3200 किलोमीटर की दूरी तय करके रिकॉर्ड बनाया है। आज देश में समुद्री किनारों पर भी नए पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है। इसका लाभ कर्नाटका जैसे राज्यों को भी हो रहा है। थल की बात करें तो आधुनिक एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के लिए भी भारत सरकार 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। नमो भारत जैसी ट्रेनें हो या फिर मेट्रो ट्रेनें, इन पर भी 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। यहां दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग जानते हैं कि बीते वर्षों में किस तरह यहां मेट्रो रूट्स का विस्तार हुआ है। यूपी में आज नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर जैसे शहरों में मेट्रो आगाज दे रही है। कहीं मेट्रो चल रही है, कहीं निकट भविष्य में चलने वाली है। कर्नाटका में भी बेंगलुरु हो, मैसूरू हो, मेट्रो वाले शहरों का विस्तार हो रहा है। नब यानी आसमान भी है, भारत ने आसमान में भी भारत ने उतने ही पंख फैला रहा है। हवाई यात्रा को हम हवाई चप्पल पहनने वाले के लिए सुलभ कर रहे हैं। बीते 9 साल में देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। बीते कुछ समय में हमारी एयरलाइंस भारत में 1000 से अधिक नए विमानों के ऑर्डर दे चुकी है। इस प्रकार हम अंतरिक्ष में भी अपने कदम तेजी से बढ़ा रहे हैं। हाल में हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा पर तिरंगा झंडा गाड़ दिया है। हमने 2040 तक का पक्का रोड मैप बना दिया है। कुछ ही समय बाद भारतीयों को लेकर हमारा गगनयान स्पेस में जाएगा, फिर हम अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब हम अपने यान में पहला भारतीय चांद पर उतारेंगे। और ये सब किसके लिए हो रहा है? ये देश के युवाओं के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हो रहा है। साथियों, अच्छी हवा के लिए जरूरी है कि शहरों में प्रदूषण कम हो। इसे ध्यान में रखते हुए देश में इलेक्ट्रिक बसों का भी बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को
10,000 इलेक्ट्रिक बस देने वाली योजना शुरू की है। भारत सरकार की तैयारी, राजधानी दिल्ली में 600 करोड़ रुपए के खर्च से 1300 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस चलाने का हमारा संकल्प है। इसमें से 850 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में चलनी शुरू भी हो गई है। इसी तरह बेंगलुरु में भी 1200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के लिए भारत सरकार 500 करोड़ रुपए की मदद दे रही है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि दिल्ली, यूपी हो या कर्नाटका, हर शहर में आधुनिक और ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिले। साथियों, आज भारत में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है उसमें नागरिक सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ऑफिस जाने वालों के लिए मेट्रो या नमो भारत ट्रेन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मायने रखते हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग माता पिता हैं, उन्हें अपने परिवार के लिए इसके कारण समय बचता है, ज्यादा समय मिलता है। युवाओं के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का होना इस बात की गारंटी है कि बड़ी कंपनियां आएगी, वहां उद्योग लगाएगी। एक बिजनेसमैन के लिए अच्छे एयरवेज और अच्छी सड़कें होने से ग्राहकों तक उनकी पहुंच आसानी से हो जाती है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से कई तरह के बिजनेस एक जगह जुटने लगते हैं, जिससे सबको फायदा होता है। एक कामकाजी महिला के लिए मेट्रो या बीआरटीएस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। वो ना सिर्फ सुरक्षित अपने ऑफिस तक जाती है बल्कि उनके पैसे की भी बचत होती है। जब मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ती है, इलाज की राह देखने वाले मरीजों और डॉक्टर बनने की आकांक्षा रखने युवाओं दोनों को फायदा होता है। जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, तब सबसे गरीब व्यक्ति को भी उसके हक का पैसा सीधा उसके बैंक अकाउंट में मिलता है। जब नागरिकों को सारी सेवाएं ऑनलाइन मिलने लगती हैं, तो उसे ऑफिसों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलती है। अभी जो ये यूपीआई एनेबल टिकट वेंडिंग मशीन कुछ देर पहले हमने देखी है, वो भी आपकी सुविधा बढ़ाने वाली है। ऐसी सभी क्षेत्रों में पिछले एक दशक में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। इससे लोगों का जीवन आसान बना है, उनके जीवन से मुश्किलें दूर हुई हैं। मेरे परिवारजनों, ये त्योहारों का समय है, ये खुशियों का समय है। देश का मेरा हर परिवार इन त्योहारों को अच्छे से अच्छे मना सके, इसके लिए भी केंद्र सरकार ने बहुत सारे बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों का लाभ किसानों को होगा,
कर्मचारियों को होगा, पेंशन वाले हमारे भाई बहनों को होगा। भारत सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी पर बड़ी वृद्धि की है। मसूर की दाल के एमएसपी में 425 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों के लिए 200 रुपये, तो गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल इसकी वृद्धि की गई है। इससे हमारे किसानों के पास अतिरिक्त पैसा आएगा। 2014 में गेहूं का जो एमएसपी 1400 रुपये क्विंटल था, वो अब 2000 के पार हो गया है। मसूर दाल का एमएसपी तो बीते 9 वर्षों में 2 गुने से भी अधिक बढ़ाया गया है। सरसों का एमएसपी भी इस दौरान 2600 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया जा चुका है। ये किसानों को लागत का 1.5 गुना से अधिक समर्थन मूल्य देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथियों, केंद्र सरकार यूरिया सहित तमाम दूसरी खादों को कम कीमत पर किसानों तक पहुंचा रही है। यूरिया की जो बोरी दुनिया के अनेक देशों में 3000 रुपये की है, वही बोरी भारत में 300 रुपये से भी कम में दी जा रही है। ये आंकड़ा याद रहेगा आपको? रहेगा? इसका लाभ यूपी के किसानों को, कर्नाटका के किसानों को, देश भर के किसानों को हो रहा है। इस पर भारत पर भी भारत सरकार एक साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। ये सरकार की तिजोरी से 2.5 लाख करोड़ इसलिए जाता है ताकि मेरे किसान को यूरिया महंगा न पड़े। साथियों, फसल कटने के बाद जो अवशेष बचते हैं, धान की पराली हो, ठूंठ हो, वो बर्बाद ना जाए, उसका भी लाभ हमारे किसानों को मिले, इस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। इसके लिए पूरे देश में बायोफ्यूल और इथेनॉल यूनिट लगाई जा रही है। 9 वर्ष पहले की तुलना में आज देश में 10 गुना अधिक इथेनॉल उत्पादन हो रहा है। इथेनॉल के इस उत्पादन से अब तक देश में लगभग 65,000 करोड़ रुपये हमारे किसानों की जेब में गए हैं। सिर्फ पिछले 10 महीनों में ही कुल 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान देश के किसानों को हुआ है। और उसमें भी अगर मैं मेरठ गाजियाबाद क्षेत्र के किसानों की बात करूं, तो यहां इथेनॉल के लिए इस साल के 10 महीनों में ही 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान हुआ है। इथेनॉल का इतना उपयोग जिस प्रकार ट्रांसपोर्ट के लिए बढ़ाया जा रहा है, उससे हमारे मेरठ गाजियाबाद के गन्ना किसानों को विशेष लाभ हो रहा है। इससे गन्ना किसानों के बकाए की समस्या को कम करने में भी मदद मिली है। साथियों, त्योहारों के इसी मौसम की शुरुआत, उसी शुरुआत में भारत सरकार बहनों बेटियों को भी उनका उपहार दे चुकी है। उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 500 रुपये सस्ता किया गया है।
देश के 80 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त राशन भी लगातार दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के लिए 4% डीए की भी घोषणा की गई है। रेलवे के जो हमारे ग्रुप बी और ग्रुप सी के लाखों नॉन गेजेटेड कर्मचारी हैं, उनको दिवाली बोनस भी दिया गया है। किसानों और कर्मचारियों के पास जो ये अतिरिक्त हजारों करोड़ रुपया पहुंचने वाला है, इसका लाभ पूरे समाज को होगा। इस पैसे जो खरीदारी होगी उसे मार्केट में रौनक और बढ़ेगी, बिजनेस और बढ़ेगा। मेरे परिवारजनों, जब ऐसे संवेदनशील फैसले होते हैं तो हर परिवार में त्योहार की खुशी और बढ़ जाती है। और जब देश का हर परिवार खुश होता है, अगर आपके त्योहार अच्छे जाते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। मेरा त्योहार उसी में मन जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप ही मेरा परिवार है, इसलिए आप ही मेरी प्राथमिकता भी है। ये काम आपके लिए हो रहा है। आप सुखी रहेंगे, आप प्रगति करेंगे तो देश प्रगति करेगा। आप सुखी रहेंगे, मुझे सुख मिलेगा। आप समर्थ होंगे तो देश समर्थ होगा। और भाइयों बहनों, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, देंगे? ऐसी आवाज धीरी नहीं चलेगी। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, देंगे? हाथ ऊपर करके बताएंगे? पक्का देंगे? अच्छा, देखिए भाई, गरीब भी होगा, अगर उसके पास अपनी साइकिल होगी तो अपनी साइकिल को ठीक रखता है कि नहीं रखता है, उसकी साफ सफाई करता है कि नहीं करता है, कहिए ना, करता है कि नहीं करता है। अगर आपके पास स्कूटर है तो सुबह उठते ही स्कूटर को बराबर ठीक ठाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको अच्छे, आपका स्कूटर अच्छा रहे, अच्छा लगता है ना। तो ये नई नई ट्रेनें आ रही हैं, वो किसकी है? किसकी है? किसकी है? तो इसको संभालने की जिम्मेवारी किसकी है? संभालेंगे? एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए हमारी नई ट्रेनों को, एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। जैसे अपनी गाड़ी है वैसे संभालना चाहिए। संभालोगे? संभालोगे? एक बार फिर आप सभी को नमो भारत ट्रेन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। नमो भारत का यह अनुपम उपहार इतिहास में पहली बार भारत देश को और भारतवासियों को, उत्तर प्रदेश के वासियों को, गाजियाबाद के वासियों को मिला है। एक बार बहुत ही सम्मान के साथ, ऊर्जा के साथ आपकी तालियों की आवाज आभार के रूप में जरूर आनी चाहिए देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए, जो इस देश के लिए, इस देश को अपना परिवार मानते हुए, इस देश के सुख के लिए, उसके समृद्धि के लिए, उसके प्रगति के लिए जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। आज देश का अंतिम जन्म, देश की महिलाएं, देश का युवा, देश का बुजुर्ग, आज सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास की बात कर रहे हैं, प्रगति की चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए कि आपके नेतृत्व में ही शासन,
और सरकार का यह स्वरूप हमने देखा है जहां सबका साथ है। तो आज देश को पहली रैपिड रेल नमो भारत की स्वागत। Yeah.